केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि कश्मीर में खुला वातावरण है, वहाँ शांति का माहौल है। शाह ने कहा कि 5 अगस्त से 17 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में एक भी गोली नहीं चली और न ही किसी नागरिक की जान गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को अपने 69वें जन्मदिन के मौके पर गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया स्थित सरदार सरोवर बांध पहुंचे। नमामि देवी नर्मदे महोत्सव में भी शामिल हुए। यहां उन्होंने इको टूरिज्म साइट को देखा और बटरफ्लाई गार्डन में तितलियां उड़ाई। राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को 25वें दिन सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकार के वकील राजीव धवन ने कोर्ट में अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। उन्होंने कहा कि राम की पवित्रता पर कोई विवाद नहीं है, इस पर भी सवाल नहीं है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में कहीं हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बंगलुरु में 19 सितंबर को स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरेंगे। सिंह तेजस के 2 सीट वाले एयरक्राफ्ट में सवार होंगे। शेयर बाजार मंगलवार को लगातार दूसरे दिन नुकसान में रहा। सेंसेक्स 642 अंक की गिरावट के साथ 36,481 पर बंद हुआ। निफ्टी की क्लोजिंग 86 अंक के नीचे 10,817 पर हुई।